आज हो रहा है। क्यों हो रहा है नाच गाना? आज मेरा बेटा आया है घर हमसे मिलने। हाँ, दिवाली भी हुई, होली भी हुई सर हमारे लिए, तो दोनों त्योहार इकट्ठे हो रहे हैं। कैसे? फूलों की होली खेल रहे हैं। बेटा आया है, उसे आशीर्वाद देते हैं, विजयी होके आएगा, इसलिए दिए भी जले हैं और दिए जलाएंगे भी, इसलिए उसको दिवाली भी मानेंगे। हमारे उत्तराखंड चंपावती नहीं, अभी तो पूरे भारत में क्या विदेशों में भी लोग पसंद कर रहे हैं अपने बेटे को, तो हमें नाच है इस बार, इसलिए इतनी खुशी है, तब नाच गा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल की वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मित्रों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अपने सुरों व वाद्य यंत्रों से देश भर में धमाल मचाने वाले इंडियन आइडल के प्रतिभागी और वॉइस इंडिया के विजेता पवनदीप राजन के चंपावत में पहुंचने पर लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। उनके साथ एक टीवी शो की टीम भी आई हुई थी। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने पवनदीप और उनकी टीम का स्वागत किया। आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक है छलिया नृत्य। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि यह धुन बहुत अच्छी लग रही है, इसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी। छलिया नृत्य उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है। यह एक तलवार नृत्य है जो प्रमुखतः शादी, बारातों व अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। यह कुमाऊं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। एक छलिया टीम में सामान्यतः 8 से 10 लोग होते हैं। इस नृत्य में नृतक युद्ध जैसे संगीत की धुन में तलवार व ढाल चलाते हैं। नृत्य के समय छलिया के मुंह में उग्र भाव रहते हैं, जो युद्ध में जा रहे सैनिकों के जैसे प्रतीत होते हैं। यह नृत्य का समाज में प्रचलन 10वीं सदी के आसपास माना जाता है। छल से युद्ध भूमि में दुश्मन को कैसे हराया जाता है, यही इस नृत्य का मुख्य लक्ष्य है। इस कारण इसे छल नृत्य और छलिया नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य में पुरुष सैनिकों जैसे वेशभूषा पहनकर तलवार और ढोल लेकर युद्ध जैसा नृत्य करते हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र यानी कि लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढोल, दमाऊ, मसकबीन, रणसिंह, तुरही आदि को बजाया जाता है। इन वाद्य यंत्रों और छलिया नृत्यकों की जुगलबंदी ऐसी होती है कि दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाने को बाध्य हो जाते हैं। छलिया दल सिर्फ छलिया नृत्य ही नहीं करता, लेकिन एक निश्चित समय के बाद विराम लेकर दल का एक सदस्य छबेली के बोल गाता है और छबेली खत्म होते ही पुनः तीव्र गति से ढोल और दमाऊ के वादन के साथ नृत्य शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए।
आप सभी मित्रों का वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।